अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस के बारे में, और आज हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं ये है थर्मो रेगुलेशन। इससे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें वाटर और साल्ट के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करना होता है, क्योंकि पानी एनवायरनमेंट में हमेशा अवेलेबल नहीं होता और साल्ट भी हमेशा अवेलेबल नहीं होते, और इनको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने लगे हैं थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट को, यानी कि बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करना, क्योंकि बाहर की एनवायरनमेंट जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है, खासतौर पे हीट के एतबार से। जब सूरज अवेलेबल हो तो धूप होती है, जब सूरज नहीं होता तो रिलेटिवली ठंडक हो जाती है, और इस वजह से फिर टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, और इस फ्लक्चुएशन के बावजूद बॉडी को कॉन्स्टेंट लेवल पे मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है जी, तो थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही किसी ना किसी हद तक थर्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है, और दोनों के लिए ही लो टेम्परेचर भी प्रॉब्लम होता है और हाई टेम्परेचर भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, सर्दी हो तो भी मसला है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट का तो भी मसला है। दोनों कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स को सीरियस स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, लाइफ मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तमाम ऑर्गेनिजम्स में किसी ना किसी हद तक थर्मो रेगुलेशन होती है। ठीक है, और उसमें फिर हम उसी तरह से बात करेंगे, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, और फिर हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो प्लांट्स के अंदर दोनों कंडीशंस में हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है और लो टेम्परेचर में क्या होता है। तो अगर किसी प्लांट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। नंबर एक, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, और डीनेचरेशन आपने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहां पे हमने बात की थी कि जिस तरह आपके पास अंडा है या और कोई इस तरह की चीज है, जेली आपने देखी हुई है, तो वो कैसे बनती है? आप मतलब कि बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं जो डी नेचर हो गई हैं। ठीक है, अंडा है, अंडा आपने देखा हुआ है, उसकी नेचर नॉर्मली लिक्विड होती है, लेकिन जब आप उसको तवे पे डालते हैं, नीचे आग जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी नेचर चेंज हो जाती है और वो डी नेचर हो जाते हैं, यानी कि उनकी नेचर खराब हो जाती है, अपनी नेचर से हट जाते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अब वो पहले प्रोटीन चूजा बनाने के काबिल थी, अब वो प्रोटीन चूजा नहीं बना सकती, क्योंकि अब आपने उसको डी नेचर कर दिया है। तो इसी तरह अगर सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को आप डी नेचर कर देंगे, तो उन्होंने क्या करना था, उन प्रोटीन्स में बहुत सारे एंजाइम्स थे, उन एंजाइम्स ने रिएक्शन चलाने थे, तो अब वो एंजाइम्स अपना काम नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, नहीं चल सकेगा, रिएक्शन नहीं हो सकेंगे। जब लाइफ के लिए जरूरी रिएक्शंस नहीं हो सकेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, सेल मर जाएगा और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इस मसले से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, आप प्लांट के साथ मसला ये है कि वो जिस धूप में लगा हुआ है वो वहीं पे बेचारा खड़ा रहेगा, चाहे सर्दियां हों, चाहे गर्मियां हों, चाहे कुछ भी हो, वहां से उठ के भाग के किसी दीवार के पीछे तो नहीं छुप सकता या और किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जा सकता, तो उसने वहां पे खड़े खड़े उसको कुछ ना कुछ मैनेज करना है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं प्लांट्स? वो प्लांट्स मैनेज करते हैं थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं कि जब वो प्लांट्स जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उस पानी को पत्तों के जरिए से वो कन्वर्ट कर देते हैं बुखारात में, और उन बुखारात को वो उड़ाते हैं। अब जब वो बुखारात उड़ते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है जब चीजें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती हैं, तो उस दौरान वो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ले जाती हैं, और उस जगह पर कौन सा इफेक्ट होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ये वाटर की इवेपोरेशन से फिर कूलिंग इफेक्ट होता है, और वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्लांट को जिंदा रखने में मदद देता है। ठीक है, अगर कंडीशंस लेकिन क्या हो कि हॉट तो है लेकिन साथ ही साथ ड्राई भी हो, यानी कि पानी अवेलेबल ही ना हो मट्टी में, मट्टी बहुत ज्यादा खुश्क हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में इवेपोरेशन के लिए प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। जब जमीन में पानी अवेलेबल नहीं होगा तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे,
और कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी, और ऐसी सूरत में प्लांट जो है वो फिर गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है जी, तो प्लांट्स का मसला क्या है? प्लांट्स का मतलब हाई टेम्परेचर है, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है और प्लांट की डेथ हो सकती है। बचने के लिए प्लांट क्या करता है? इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब पानी अवेलेबल ना हो तो इवेपोरेटिव कूलिंग भी नहीं हो सकती और ये सीरियस थ्रेट बन जाता है, प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं ऐसे मौसम में। अब बहुत ज्यादा गर्मी में प्लांट्स को बचाने के लिए प्लांट्स के पास एक और तरीकाकार है। इस तरीकाकार को कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक से मुराद है कि जब गर्मी का शॉक लगता है तो उस वक्त ये प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली एंजाइम्स को गले लगा लेती हैं। ठीक है, जब एंजाइम बेचारा गर्मी से तंग आके रोना शुरू कर देता है तो ये फौरन उसको गले लगाती हैं, उसको थपकी थपकी देते हैं, प्यार करते हैं कि ठीक है बेटा परेशान ना हो, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो गर्मी के इफेक्ट से बचाने के लिए एंजाइम्स को ये प्रोटीन्स कवर कर लेती हैं और उनको डीनेचर नहीं होने देती। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स फिर ज्यादा गर्मी में प्लांट्स को बचाती हैं। अब जो प्लांट्स टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ी अच्छी तरह से एडजस्टेड होते हैं। टेम्परेट रीजन्स कौन से हैं? टेम्परेट रीजन्स वो रीजन होते हैं जहां पर चार तरह के मौसम बराबर बराबर पाए जाए, यानी कि तीन तीन महीने चारों तरह के मौसम रहें, गर्मी सर्दी बहार खजां चारों तरह के मौसम होते हैं। मसलन हमारा इलाका है, पंजाब के ज्यादातर इलाके ये टेम्परेट रीजन्स हैं और यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से बड़ी अच्छी तरह से एडजस्टेड होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो नहीं होता, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यूजुअली नहीं जाता, उसके मुकाबले में सहराओं में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है लो टेम्परेचर। प्लांट्स के लिए लो टेम्परेचर भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? इसलिए कि जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है तो साइटोप्लाज्म जम सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जम सकती है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे बर्फ पड़ रही होती है। ठीक है, तो उस बर्फ में प्लांट कैसे सरवाइव करेगा? एनिमल तो चले किसी गार में छुप जाएगा, किसी कोई सुराख वगैरह मतलब दरख्त की खो में और किसी ऐसी जगह पे छुप के वो बर्फ से बच जाएगा, लेकिन प्लांट ने तो बर्फ वो भाग के तो कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत में वो जो है वो उसके पत्ते या उसके अंदर मौजूद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जमना शुरू हो जाती हैं, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसकी वजह से भी प्लांट की डेथ हो सकती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है किस चीज की? लिपिड्स की बनी हुई होती है। लिपिड्स कौन से? फॉस्फोलिपिड्स की हमने बात की थी। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो है ये तकरीबन होते हैं जैसे आपने देखा है घी। घी गर्मियों में जो है वो लिक्विड होता है लेकिन सर्दियों में सॉलिड हो जाता है। तो उसी तरह जिस तरह वो सॉलिड घी को आप देखें तो वो दानेदार सा होता है, तो उनको हम कहते हैं वो लिपिड्स के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, और जब ये लिपिड्स के क्रिस्टल बन जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आपको याद हो, तो इसने फंक्शन क्या करना है? इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स को कंट्रोल करना है। अगर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो चीजों की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी और उसकी वजह से फिर प्लांट को प्रॉब्लम होगी सर्वाइवल में। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी अपना काम नहीं कर सकेंगी और प्लांट सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इस मसले का हल क्या करते हैं प्लांट्स? इस मसले का हल ये करते हैं कि जब सर्दियां आने लगती हैं तो उस वक्त प्लांट, अब जिस तरह गर्मी का मौसम है, गर्मी से आगे हम अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों में हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सर्दी की तरफ जाएंगे, तो जब सर्दियां आने लगती हैं तो प्लांट को पता लग जाता है कि अब टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है, तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। वो क्या करता है? वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार ज्यादा कर देता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है और इनको हम आम जबान में तेल कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ा लेते हैं जिनको हम ऑयल्स कहते हैं। और ऑयल्स की खास बात क्या है? ऑयल्स की खास बात ये है कि ये सॉलिडिफाई नहीं होते लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तेल, सरसों का तेल आपने देखा हुआ है या और दूसरे तेल जो हैं जो प्लांट से हम हासिल करते हैं, वो सर्दियों में भी जमते नहीं हैं। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को बरकरार रखते हैं, उसको लिक्विड रखते हैं, सॉलिड नहीं होने देते। ठीक है, लेकिन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाने के लिए प्लांट्स को आहिस्ता आहिस्ता जब वो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उस वक्त
वो प्लांट को 2-3 महीने मिल जाएंगे कि ठीक है अभी सख्त सर्दी नहीं आई है तो हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्लांट को वो तैयारी का टाइम ना दें बल्कि आप अगस्त के मौसम में एक गमला उठाएं और उसको फ्रीजर में रख दें एकदम से ठंडा कर दें, तो ऐसी सूरत में प्लांट को अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। जब टाइम नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा इस सर्दी को और उसकी वजह से उसको डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो रैपिड चिलिंग यानी कि एकदम तेजी से टेम्परेचर चेंज कर देना, उसको ठंडा कर देना, वो प्लांट्स के लिए फिर नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन आमतौर पे नेचर में रैपिड चिलिंग नहीं होती, इस वजह से प्लांट सर्वाइव कर जाते। एक और प्रॉब्लम ये है कि जो प्लांट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर वाले इलाकों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में जहां पे शदीद सर्दी होती है, इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि बर्फ जम जाती है, तो वहां पर ये वाटर के आइस के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ठीक है, आइस के क्रिस्टल्स आपने देखे हुए हैं, जो जैसे सॉलिड बर्फ होती है वो आइस के क्रिस्टल होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल एक बनता हुआ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। बास कार्टून्स होते हैं उनके पास सुपर पावर्स होती हैं, तो सुपर पावर होती है किसी के पास बर्फ वाली, और वो बर्फ वाला क्या करता है कि वो जो है जब उसने किसी विलन वगैरह को मारना हो तो वो एक बर्फ की एक वो नुकीली सी वो बनाता है और वो जाके विलन के अंदर घुस जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो इस तरह का मसला होता है कि ये क्रिस्टल्स जो है वो तेजी से ग्रो करते हैं और इनके एंड्स जो है किनारे ये शार्प होते हैं, और अब अगर ये क्रिस्टल साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रो कर रही हो इस तरह, तो क्या होगा कि वो ये जो इसमें से ये तेज धार वाली चीजें बनेंगी, क्रिस्टल्स बनेगी, तो वो कोई माइटोकॉन्ड्रिया के आर पार हो जाएगा, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, कोई न्यूक्लियस को फाड़ देगा। तो इस तरह ये जो क्रिस्टल्स हैं ये साइटोप्लाज्म को या उसके ऑर्गेनेल्स को, उसके पार्ट्स को डैमेज कर देती हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर परफोरेशन कर देती हैं, सुराख कर देती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सेल्स मर सकते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ऐसे प्लांट्स जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, मसलन ओक्स, मेपल्स या रोजेस वगैरह हैं, तो ये अपने सोल्यूट कंसंट्रेशन तब्दील कर देते हैं, ये बेसिकली अपने अंदर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉल्ट्स जमा करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पानी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता नहीं है। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जो है वो ठंडा तो हो जाता है लेकिन आइस नहीं बनती। जिस तरह आपने आइसक्रीम खाई हुई है, तो आइसक्रीम के अंदर भी हमने वो इमल्सिफायर डाला हुआ होता है, तो उसकी वजह से आइसक्रीम के अंदर आइस के क्रिस्टल्स नहीं जमते। घर में अगर आप मिल्क शेक को जमाने की कोशिश करें तो वो मिल्क शेक जो है वो बर्फ बर्फ बन जाता है, उसके मुकाबले में जो आइसक्रीम आप बाजार से लाते हैं उसके अंदर बर्फ नहीं होती, वो हालांकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखा हुआ है लेकिन वो जमा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे मटीरियल ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे साल्ट वगैरह ऐड कर देते हैं प्लांट्स ठंडे इलाकों में अपने साइटोप्लाज्म में, जो आइस क्रिस्टल्स बनने नहीं देता। सेल से बाहर क्रिस्टल्स बन भी जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेल के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बन पाती।